माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जहां प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम है। अरावली की पहाड़ियों में बसा यह स्थान गर्मी से बचने के लिए एक परफेक्ट ठिकाना है। लेकिन जो चीज माउंट आबू को खास बनाती है वह है यहां का बदलता हुआ मौसम, जो हर ऋतु के साथ इस जगह को नई जिंदगी देता है। मौजूदा समय में माउंट आबू में मॉनसून का आखिरी चरण चल रहा है। रात भर हुई हल्की बारिश ने पूरे माउंट आबू को एक ताजगी से भर दिया है। सुबह की शुरुआत ठंडी और नम हवाओं के साथ हुई, जिनमें मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे यहाँ की सुबह और भी सुहानी हो गई है। दिन के समय हल्की धूप देखने को मिल सकती है, लेकिन बादल आसमान में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। तापमान दोपहर में 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो यहाँ की सैर सपाटे के लिए एकदम परफेक्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में माउंट आबू में बारिश का दौर जारी रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जो इस हिल स्टेशन की हरियाली को और भी निखार देगी। तापमान में दिन और रात के बीच काफी अंतर रहेगा। जहां दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस वजह से रातें ठंडी और शांत रहेंगी, जो कि रोमांटिक वॉक या सितारों को निहारने के लिए एकदम परफेक्ट है। सितंबर के अंत तक मॉनसून के कमजोर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद भी यहां की हरियाली और ताजगी बनी रहेगी। यह समय ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नक्की झील के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेना या गुरु शिखर पर सूर्योदय का नजारा देखना, यह सभी अनुभव यहाँ के मौसम की खूबसूरती को और भी निखार देते हैं। माउंट आबू की खासियत सिर्फ इसके ठंडे मौसम में नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा में जो सुकून और शांति है वह इसे और भी खास बना देती है। राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान से निकलकर जब आप यहाँ की ठंडी हवाओं का एहसास करते हैं, तो यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थल जैसे दिलवाड़ा मंदिर, सनसेट पॉइंट और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सभी को इस सुहावने मौसम में देखने का एक अलग ही मजा है। अगर आप माउंट आबू की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो हल्के ऊनी कपड़े जरूर साथ रखें, क्योंकि यहां रातों में तापमान काफी गिर सकता है। साथ ही बारिश के कारण ट्रेकिंग के दौरान कुछ जगहों पर फिसलन हो सकती है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनना बेहतर रहेगा। अंत में माउंट आबू का मौसम हर किसी को अपनी ओर खींचता है, चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, शांति की तलाश में हों या रोमांच के दीवाने हों, माउंट आबू का मौसम हर किसी के लिए कुछ खास लेकर आता है। यहाँ की हर सुबह, हर शाम और हर रात एक नई कहानी बुनती है, जो यहाँ आने वाले हर सैलानी के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। लोकल 18 के लिए सिरोही से दर्शन शर्मा की रिपोर्ट।